नरेंद्र मोदी आज पागल हो गए, तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री बन जाए या बिना तड़ी पार वाला, उसके प्रति जवाबदेह पुलिस की नहीं है। नारसी का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी माँ की भारतीयता सिद्ध नहीं कर सकता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और जो तौर तरीका ये एनआरसी का है, उस तौर तरीके पर अमित शाह अपने माँ बाप की भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं करता, सबूत नहीं दे सकता है। सबूत देते तो मैं चौरा में फांसी लगा दूंगा। 14 करोड़ मजदूरों की हत्या करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र था इनका, आपको पता है। बिहार में भी एक एक वोटर्स को खरीदने के लिए हम पैसा लगाने वाले, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, वो पैसा इनके बाप का नहीं है, हमारे देश के लोगों की। तुम रोजी रोटी छीनोगे, उनके आने जाने के साधन छीनोगे, उनको भूख से मरवाओगे, पैदल चलवाकर गाड़ियों से कुचलवाओगे, और तब कहते हो कि हम करुणामय भारत है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर अश्वेत जॉर्ज फ्लाइट, जिसकी 25 मई को एक गोरे अंग्रेज अधिकारी ने हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी ने कहा मैं ऐसे हत्यारे के साथ एक मिनट रहने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश में गुजरात में 2002 में 97 हिंदुस्तानियों की हत्या करके जिंदा जलाने वाला बाबू बजरंगी और 33 लोगों की को अधमरा करने वाला बाबू बजरंगी का फोटो आप देख सकते हो गूगल में जा करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री और तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री के पास वायरल हो रहा है। तो आप भारत की करुणा क्या कहती है? अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी की पत्नी ने तलाक मांग लिया, और हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गृह मंत्री की कुर्सी पर और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा जो शख्स है, इन शख्सों ने कहीं नहीं कहा कि हमारा बाबू बजरंगी के साथ में संबंध नहीं है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं आप सब लोगों को, मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने 2 जून को एक बात कही अपने मैं फेसबुक के मालिक की बात कर रहा हूं, 25,000 कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के दंगे हुए, इनको कराने में भाजपा का हाथ है, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के समक्ष खड़े होकर के कपिल मिश्रा ने चुनौती दी थी। क्या कहा था कपिल मिश्रा ने? कहा कि यदि पुलिस नहीं हटाएगी धरना प्रदर्शन करने वालों को, तो हमारे गुंडे आकर हटाएंगे, और इसी की परिणति है कि दिल्ली में दंगा हुआ। और मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके संविधान की आत्मा उसको हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जा रहा है, किया गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? हमारे देश की ना कहने की आजादी, विवेक धरना प्रदर्शन की आजादी, उस पर अंकुश लगाने के लिए इनके गुंडे सड़क पर आए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मोदी सरकार ने एक झटके में 14 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली, देश के उद्योग और व्यापार पर ताले लगवा दिए, अगला लक्ष्य मोदी सरकार का भारत के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए एनआरसी लाने का है। आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, हमारे देश में 14 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी छिनवाने वाले, पैर की खाल उतरवाने वाले, सड़कों पर मरवाने वाले, महिलाओं के बच्चे जन्माने वाले और देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने वाले और संविधान के आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक सिखाएं, उम्मीद करता हूं। आपने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी नागरिकता साबित कर देंगे तो आप फांसी लगा देंगे। मैंने यह बात इस लहजे में कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यह बात इस लहजे में कही थी, जिस तरीके का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद एनआरसी आ रहा है, एनआरसी के जो कायदे कानून है उसके लिए माता पिता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हमने ये बात कही थी मोदी जी की माँ को लेकर, हमने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि आसाम में ऐसी महिला का भी नागरिकता खत्म हो गई जिसके मायके से प्रधान ने जाकर कहा कि यह महिला मेरे गांव की है, उसने हाई कोर्ट में 15 किस्म के कागजात दिए थे। हमने ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की माँ के पास हमारे देश का अगर एनआरसी शुरू होता है तो नरेंद्र मोदी की माँ की नागरिकता नहीं बच सकती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आज भी मैं कायम हूँ। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि एनआरसी के जो तौर तरीके हैं उसी तरीके से अगर एनआरसी होगी तो हमारे देश में अमित शाह के माँ बाप की भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा देश में बीए एमए बीएड जो और एमबीए किए हुए छात्र पढ़े लिखे युवा आज मजदूरी कर रहे हैं, आज तुम्हारी डिग्री का औचित्य खत्म हो गया, वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार और संघी सरकार आपके माँ बाप, क्योंकि सबके पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे स्कूलों के, आपके माँ बापों की नागरिकता भी छीनेगी। इस बात पर अडिग है, हाँ
मैं कायम हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसी मैं बताता हूँ, एनआरसी का जो तौर तरीका है उस तौर तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी माँ की भारतीयता सिद्ध नहीं कर सकता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और जो तौर तरीका एनआरसी का है उस तौर तरीके पर अमित शाह अपने माँ बाप की भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं करता, सबूत नहीं दे सकता है। सबूत देते तो मैं चौरा में फांसी लगा दूंगा। अगर ये प्रमाणित कर दे जिस नॉर्म से, जिस कंडीशन पर आसाम में एनआरसी की गई है और जो एनआरसी ये करना चाहते हैं, अगर उस तौर तरीके से अमित शाह के माँ बाप भी और नरेंद्र मोदी की माँ की भी नागरिकता खतरे में पड़ने वाली है। पर इन लोगों के पास, इन्होंने बहुत पैसा है इनके पास। मैं एक बात और करके खत्म करता हूँ, और एक आखिरी बात मोदी जी ने कही कि हमने बैंक कम कर दिए, हम सरकारी हस्तक्षेप कम कर रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप कहाँ कम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष है जो सूचना के अधिकार के दायरे में भी आता है, और दूसरी बात मैं कहता हूँ कैग के दायरे में भी आता है। नरेंद्र मोदी की सरकार का खेल समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले बड़ी चालाकी के साथ में निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को कोरोना की चपेट में धकेला, और फिर देश में कोरोना के मामले का गड़बड़ करने के लिए यूरोप ने जो नकली किटों की खेप चीन वापस भेजी थी वो खेप भारत मंगवाई, और 245 की किट भारत मंगवा कर 600 में बिकवाने का काम भी किया। ये देश के वफादार हैं कि गद्दार हैं? और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, देश का वफादार कभी भी महामारी में 245 की किट को 600 में नहीं बिकवाएगा। और मैं ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पीएम केयर बनाया वो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं है। विश्व बैंक से और रूस का एडीबी बैंक है, वहां से दोनों से मिलाकर 190 अरब रुपए कर्ज ले लिया। अब मुझे बताएं 190 अरब रुपए कर्ज भी ले लिया, और हमारे देश में पीएम केयर में भी अरबों रुपए इकट्ठा हो गया, और देश के मजदूरों को आने जाने के साधन छीन लिए गए, उनको खाना पानी भी नहीं मिला, देश के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, और देश में रेल भी बेच दिया, भेल भी, गेल भी, सेल भी, लाल किला भी गिरवी रख दिया। पैसा कहाँ गया, मोदी कहाँ पैसा ठिकाने लगा रहा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। लगातार ट्वीट कर, नहीं नहीं एक मिनट, ये पैसा जा रहा है कहाँ, आपने देखा कर्नाटक में विधायकों को खरीदा गया, मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदा गया, और अभी मेरी परसों बात हो रही थी, एक आरएसएस के बड़े नेता हैं वो कह रहे थे कि बिहार में भी एक एक वोटर्स को खरीदने के लिए हम पैसा लगाने वाले। मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, वो पैसा इनके बाप का नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे दिया, और 20 लाख करोड़ रुपए में आप बिहार के पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप हिसाब लगाइए, गूगल में जाकर देखिए, हमारे देश की आबादी 25 करोड़ के लगभग है, और एक एक परिवार के हिस्से 80-80 हज़ार रुपये नकद आता है। यदि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार और नीतीश सरकार एक एक परिवार को 80-80 हज़ार रुपये नहीं देती है, तो इन नालायकों को अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने इलाके में भटकने में मत देना। सर, 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 सर जी, कपिल मिश्रा ने लगातार दूसरा ट्वीट किया और कहा है कि अगर शाहीन बाग शुरू होता है तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, और इस बार आर पार की लड़ाई है, क्या बोलेंगे? देखिए शाहीन बाग, हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ना कहने का हक, जैसे मैं असहमति व्यक्त कर रहा हूं, और कपिल मिश्रा यदि हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या करने की धमकी दे रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूं, भले तड़ी पार रह चुके हो अमित शाह, लेकिन इस समय संवैधानिक पद पर, गृह मंत्री के पद पर है, अमित शाह को इस आदमी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करानी चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस में बैठे हुए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, वो सवाल ये नहीं है कि वहां तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री बन जाए या बिना तड़ी पार वाला, उसके प्रति जवाबदेही पुलिस की नहीं है। मैं पुलिस से भी आग्रह करता हूं, पुलिस आयुक्त से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस आयुक्त को तत्काल हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या करने की धमकी देने का मुकदमा कपिल मिश्रा पर दर्ज करना। राजनीति तिवारी ने भी सेम स्टेटमेंट दिया है। अरे भाई वो कौन है यार, छोड़िए, आप सबका नाम लेंगे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी और पूरा संघ परिवार हमारे देश में संविधान की आत्मा की हत्या करना चाहता है, हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करना चाहता है, हमारे देश के मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर, आवागमन के साधन छीन कर 14 करोड़ मजदूरों की हत्या करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र था इनका, आपको पता है, रेल भी जब चलने लग गई, और आपको आखिरी बात बताता हूं बिहार के मित्रों, दो चीजें, दो किस्म की बातें हुई लॉकडाउन के बाद, जब जहाजों का आवागमन शुरू हुआ तो
तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से अनुमति नहीं ली गई कि कौन कौन है जो जहाज पे बैठ के आपके राज्य में आ सकता है। ये सी रेल शुरू हुई उसमें कोई सूची नहीं मांगी गई नीतीश कुमार से, लेकिन मजदूर घर वापस आएंगे इसके लिए सूची मांगने का खेल भी किया गया। हमारे देश को एक भारत सशक्त भारत का नारा लेने वाला, ये झूठ बोलने वाले, हमारा देश तो एक था, एक है, एक रहेगा। देश के गद्दार ये तब भी थे, अब भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने तो खंड खंड कर दिया देश को। अमीर लोग जाएंगे जहाज पर तो मुख्यमंत्री की कोई अनुमति नहीं होगी, अमीर लोग जाएंगे एसी रेल में तो कोई अनुमति नहीं होगी, और मजदूरों को यदि आना जाना पड़ा, अपना घर जाना हो तो राज्यों के मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। ऐसी अनुमति, ऐसा बीजा बनाने वाला सिस्टम कायम करने वालों को सबक सिखाने का वक्त है। साइन बार में 144 धारा लागू हो गया, सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात है, सर क्या डर है पुलिस को? नहीं नहीं, पुलिस को डर नहीं है। मैं आपको फिर बताता हूँ, अभी बिहार का चुनाव है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में जाके ये कहेगी कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया? मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी का दिमाग उस दिन खराब था जिस दिन सिर्फ 500 लोग हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव थे और देश में पूरा ताला लगा दिया, या नरेंद्र मोदी आज पागल हो गए जब देश के अंदर 10,000 मरीज रोजाना उजागर हो रहे हैं कोरोना के? अब तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी जिसमें लक्षण नहीं दिखते उसका टेस्ट करना बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आप समझ लीजिएगा दो बातें जो आपने कही है। 2 मई को दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना आपातकाल लगाया, 3 तारीख को, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में एम्स है सबसे बड़ा दिल्ली में, एम्स के 19 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, 500 के करीब स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, और हमारे देश में एम्स में 3 कर्मचारियों की जान चली गई कोरोना से। कहाँ गया वो पैसा, पीपीई नहीं दे पा रहे हैं, ये इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, जिस दिन कोरोना का खत्म होगा, कोरोना ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। एक बात मैं और बता दूँ, मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूँ, आप समझदार लोग हैं, कोरोना मेरे सवाल उठाने से और मोदी के भाषण वीर बनने से नहीं जाएगा। कोरोना घर घर पहुंचा दिया गया, 4 मई को दारू के ठेके खुले, एक एक दारू के ठेके पर 4,000 लोगों की जो भीड़ जुटी, मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर कोरोना फैला दिया घर घर, और इसका नुकसान अभी होने वाला है। कोरोना का जो टीका लगता है, दवाई नहीं टीका जो लगता है कि भविष्य में कोरोना नहीं हो, वो टीका बनने में 2.5 साल लगेंगे, और वो कोरोना का टीका भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता कि जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र वाले को लगेगा। कोरोना का टीका बनेगा 15-16 साल के आयु के लोगों के लिए, उसके बाद के जो हम सब लोग हैं, जब तक अगले 20-30 साल में देश के बड़े बूढ़े सब निपट नहीं जाएंगे, कोरोना तब तक भारत में रहने वाला है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि संसार में हर वर्ष 1,70,00,000 लोग संक्रमण के चपेट में आके मरते हैं, कोरोना से भी कुछ लोग मुट्ठी भर मरेंगे, पर इन नालायकों ने कोरोना की हवा खड़ा करके अपने सारे, मोदी जी ने एक बात कही थी, मोदी जी ने कहा था मैं नसीब वाला हूँ, और मैं भी मानता हूँ ये नसीब वाला है। इस नसीब वाले के राज में 137 करोड़ की आबादी बदनसीब जेल में बंद है, और अब हम सब लोगों को कोरोना की चपेट में धकेल दिया, हम सब लोगों को कोरोना काल में ही जिंदा रहने के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। और एक बात मैं करके ख़त्म करता हूँ, तब देव सवाल करेगा जवाब दूंगा। हमारे यहाँ यूरोप से भेजी गई नकली रैपिड टेस्ट किटों की खेप चीन से भारत में उतरती है, मोदी सरकार आहा नहीं करती है, और यूएई से 23 अप्रैल को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में 3 भारतीयों के शव आते हैं, उन शवों को मोदी सरकार ने राजधानी दिल्ली में नहीं उतरने दिया, कोरोना से नहीं मरे थे, वहाँ यूएई में हमारे राजदूत हैं, उन्होंने उनको भेजा था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो दोबारा से यूएई पहुँची, शवों को भारत मंगाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना लाभ के मोदी सरकार भारत के लोगों के शव भी भारत में नहीं उतरने देती है, और बिना लाभ के मजदूरों को भी गाड़ियों में नहीं बैठने देती है। ये सब धंधा भी मोदी सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।